रीजन क्या है? द ब्लड नीड्स प्रेशर टू मूव एंटी ग्रेविटी. आपके पांव से लेके आपके सर तक जाना है. डेड बॉडी में ब्लड प्रेशर जीरो होता है, लिविंग बॉडी में ब्लड प्रेशर होता है. द ब्लड नीड्स प्रेशर टू मूव एंटी ग्रेविटी, है ना. नॉर्मल बॉडी में नॉर्मल प्रेशर, फैट बॉडी में ज्यादा प्रेशर लगेगा ब्लड को ऊपर मूव करने के लिए. इसीलिए जुबान पे लगाम होती तो ब्लड प्रेशर नहीं होता. और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों क्योर करना क्यों जरूरी है? डायबिटीज का अगर आपने 100 मिलीग्राम ड्रग पे रह के रख लिया, आपको क्या लगता है? यू हैव टू बी लकी नॉट टू डाई ऑफ अ हार्ट अटैक, क्योंकि कैंसर तो होगा ही. ये बात को बहुत डीपली और सीरियसली लीजिएगा. इफ यू आर मेंटेनिंग और मैनेजिंग योर ब्लड शुगर विथ ड्रग्स, यू हैव टू बी लकी नॉट टू डाई ऑफ अ हार्ट अटैक, क्योंकि कैंसर तो होगा ही. आई रिपीटेड द स्टेटमेंट सो दैट इट गेट्स इन वेरी वेरी सीरियसली कि आपको ब्लड शुगर क्योर करना. और ये बहुत सिंपल है, और अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. अगर आज आपने ब्लड शुगर क्योर कर लिया, ये सभी चीजें एवर्ट हो जाती है, यहां से क्रॉस लग जाता है, कभी भी नहीं होगा. और आज मौका है, आज टेक होम मैसेज लेके जाइए, ये प्लेज लेके जाइए कि ब्लड शुगर जैसी, क्योंकि अगर आप हमें देखेंगे, हम जो काम कर रहे हैं, हम ब्लड शुगर और डायबिटीज और ये ब्लड प्रेशर को डिजीज ही नहीं मानते. बहुत छोटी डिजीज है, बहुत ही छोटी डिजीज है. वी आर वर्किंग ऑन वेरी बिग डिजीज. बहुत ही छोटी डिजीज है, बहुत जल्दी ठीक होती है. आप अपने घर पे ठीक कर सकते हैं इन 3 to 7 days टाइम. जो मैंने आपको प्रॉब्लम इज डायबिटीज सॉल्यूशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ब्लड प्रेशर पे आते हैं तो ब्लड को प्रेशर चाहिए. क्यों चाहिए? क्योंकि ब्लड को चारों तरफ मूव करना है. अगर आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो ब्लड क्या लेके जाता है? प्राण को मूव करता है. प्राणायाम इज व्हाट? प्राण का व्यायाम थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड प्राणायाम. प्राण को घुमाता है ब्लड. अगर आप टेढ़ा बैठ गए तो ब्लड को एक एंगल से जाना पड़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. आप सीधा क्यों नहीं बैठते हैं? आप बुद्धिस्ट को देखिए, बुद्धिस्ट सीईओ भी होगा तो भी स्टूल पे बैठा रहता है, वो चेयर नहीं, वो बैकरेस्ट नहीं यूज करता है. इसीलिए उनके कंधे चौड़े रहते हैं, वो कभी झुकते नहीं है. दलाई लामा को देखिए, 94 ईयर्स के एज में खड़ा है, इसलिए कि बैकरेस्ट नहीं लेता है. आप बैकरेस्ट जैसे ही लेते हैं, आपके बैक के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और आप ओल्ड की तरह ऐसे होने लगते हैं. जैसे ही आप बैकरेस्ट हटाते हैं, आपके बैक के सारे मसल्स आपके स्पाइन को सपोर्ट करते हैं, आपका स्पाइन सीधा रहता है. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीधा जाएगा, डिमेंशिया नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा. कितनी छोटी सी चीज से आपने कितनी बड़ी बड़ी चीजें एवर्ट कर दी, जस्ट थोड़ा सा पोस्चर चेंज करके. तो दूसरा है ओबेसिटी, विच आई ऑलरेडी मेंशन. ओबेसिटी कैसे जाएगा? वी नीड टू जिप दिस. एंड ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण चाय और कॉफी है. इन केस यू डिड नॉट नो मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा कारण चाय और कॉफी है. तो क्या हुआ? एक बार तो चाय पीता हूं मैं, तो यकीन करके चलिए आप ओबीज रह जाएंगे. चाय से प्रॉब्लम नहीं है, वो शक्कर और दूध से प्रॉब्लम है. आप शक्कर और दूध हटा दीजिए, चाय आप पीजिए, आप उसमें नींबू डालिए, आप उसमें नमक डाल के पीजिए. बाय द वे, पिंक सॉल्ट और थोड़ा सा लेमन, ज्यादा जितना आप एक दो बूंद डालते नहीं, आधा लेमन डालिए और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डालिए और चाय पत्ती डालिए, बहुत टेस्टी होता है. कभी पी के देखिए, वो आप कूलर में पी सकते हैं और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ओबेसिटी नहीं होगी. लेकिन अगर आप दूध और चीनी यूज करेंगे, आप ओबीज रहेंगे. आप जितना मर्जी परहेज कर लें, आप अगर चाय और कॉफी छोड़ेंगे नहीं तो आप ओबीज रहेंगे. यू नीड टू गेट दैट स्ट्रेट इन माइंड. तीसरा है एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस मॉडर्न मेडिसिन में जब मैं लेक्चर देता हूं तो उनको बोलता हूं, इट्स अ वोम टू टोम प्रोसेस. एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब आर्टरीज का सिकुड़ना, वोम में शुरू हो जाता है, टोम तक चलता है. इट्स अ वोम टू टोम प्रोसेस.
एथेरोस्क्लेरोसिस रिवर्स हो सकता है, मॉडर्न मेडिसिन नहीं जानती है। एथेरोस्क्लेरोसिस कैन बी रिवर्स्ड, और सबसे अच्छा रिवर्स कैसे होता है, व्हाट इज द पैनेशिया, दुनिया के सभी चीजों का एक ट्रीटमेंट जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट माना जाएगा वो क्या है, डिजीज कोई भी, फास्टिंग पैनेशिया है ये। दुनिया की कोई भी बीमारी हो उसका इलाज फास्टिंग से हो सकता है, पूरा फास्टिंग या इंटरमीडिएट फास्टिंग दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है डिजीज क्या है। ये जो मैंने आपको बात बताई डायबिटीज की, ये इंटरमीडिएट फास्टिंग से है। और जब आप फास्टिंग बोलते हैं, फास्टिंग का मतलब दो ही होता है, सज्जला और निर्जला, बाकी टाइम पास है। मैं तो आज फ्रूट फास्ट पे हूं, मैं तो आज जूस फास्ट पे हूं, आप फास्ट पे नहीं, आप फास्ट पे नहीं, आप फ्रूट खा रहे हैं, ये नहीं खा रहे वो खा रहे, लेकिन आप खा रहे हैं, तो दो ही तरह के फास्टिंग होते हैं। एनीवेज, सो कमिंग बैक टू दिस, एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ बिग रीजन फॉर ब्लड प्रेशर। एथेरोस्क्लेरोसिस रिवर्स करने का, जो मैंने आपको डैप डाइट का, जो 2 जून भोजन और एक बार के भोजन में 50% फूड इज कुक्ड एंड 50% इज रॉ फूड, अगर आप इतना ही कर लें आप एथेरोस्क्लेरोसिस तक रिवर्स कर सकते हैं। और एथेरोस्क्लेरोसिस रिवर्स करने का क्या मतलब है, आप हार्ट अटैक ब्रेन अटैक दोनों रोक सकते हैं। और अगर घर में आज के बाद टेक होम मैसेज आपका क्या होना चाहिए, ये टाइम टेस्टेड है बाय द वे, चेस्ट पेन होगा, कितने लोगों के जेब में सॉर्बिट्रेट है यहां पे, आपके जेब में अदरक होना चाहिए, आपके जेब में अदरक होना चाहिए, वो हार्ट अटैक ब्रेन अटैक दोनों को प्रिवेंट करता है। पैरालिसिस शुरू हुआ, अदरक चबवा दीजिए उसको, पैरालिसिस अबॉर्ट हो जाएगा, हार्ट अटैक अबॉर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये सिंपल चीजें जीवन में बहुत बड़ा बदलाव और प्रभाव लाती हैं। दैट इज वाई वी थॉट इट इज अ गुड आइडिया कि आपके जेब में अदरक हो, आप अदरक चबवा दीजिए उसको, आप देखिए कैसे अबॉर्ट होता है। अगर वो उसको अभी पैरालिसिस आ रहा है, मुंह टेढ़ा हो रहा है, दिख रहा है आपको कि मुंह उसका टेढ़ा हो रहा है, आप अदरक चबवा दीजिए, मुंह उसका सीधा हो जाएगा, आप देखेंगे वो, अरे ये तो ठीक हो गया। क्या होता है साइंटिफिकली स्पीकिंग, अदरक जब आप खाते हैं, वेर इट टचेस द सलाइवा इट रिलीजेस नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, तो जो ब्लड वेसल में कोई थ्रोम्बस फंस के वो हार्ट अटैक कॉज कर रहा था वो डायलेट हो जाता है, थ्रोम्बस निकल जाता है। सो दैट इज हाउ हार्ट अटैक एंड ब्रेन अटैक बोथ कैन बी प्रिवेंटेड बाई अ सिंपल मेजर, कि आपके जेब में एक अदरक का टुकड़ा 2 इंच का होना चाहिए ऑन एन एवरीडे बेसिस। अगर वो सूख भी जाए तो भी रखिए, सूखे अदरक को सॉल्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट इज हाउ टू मिटिगेट ब्लड प्रेशर, वी हैव ऑलरेडी सेड, सबसे पहले पोस्चर सुधारिए, दूसरी बात भारतीय बनिए, तीसरी बात कोशिश करिए धीरे धीरे, पहले दो ही तरह के एक्सरसाइज होते थे भारतीय विधा में, दंड बैठक और सपाट वाला, है ना, दो ही तरह के एक्सरसाइज होते थे। मुझे कोई भी ग्रुप ऑफ मसल्स दिखा दीजिए जो ये दो एक्सरसाइजेस में, जितने भी जिम गोअर्स हैं हमें वो प्रूव करके बता दें कि हाँ ये ग्रुप ऑफ मसल्स उससे स्टिमुलेट नहीं हुए। कहने का मतलब ये है कि हमें भारतीयता पे गर्व होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम इन विधाओं पे वापस आए और ये देखें कि इनमें अच्छाइयां क्या थी और कैसे इनको नेगलेक्ट किया गया। अंग्रेजी के हौज में हिंदी हुई डुबोए, कैसे किया गया ये, और ये क्रमबद्ध तरीके से किया गया, इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू डीकोलोनाइज द माइंड। तो जिंजर गार्लिक अनियन ये तीनों एक ही तरह का काम करते हैं, लेकिन गार्लिक के टैबलेट्स ना लीजिए प्लीज, कैप्सूल्स ना लीजिए, क्योंकि वो जब तक आपको मालूम है नींबू एसिडिक है कि अल्कलाइन है,
नहीं, इट इज स्टिल एसिडिक. आप पीएच टेस्ट करके देखिए, नींबू इज एसिडिक. 3.5 के आसपास पीएच होता है उसका, राइट. तो इनो के ऊपर, इनो एंटासिड है ना, हाँ, उसके ऊपर नींबू क्यों दे रहा है? क्या एसिडिटी बढ़ाना है क्या? ये पूछने वाली बात है. इनो के कंपनी से पूछिए यार, नींबू तो एसिडिक है, एंटासिड में कैसे यूज कर रहे हो? द साइंस इज द मोमेंट नींबू टचेज सलाइवा, टाइलिन, टाइलिन से जैसे नींबू कंबाइन करता है एल्कलाइन हो जाता है और वो एंटासिड का काम करता है. वॉटर नहीं, हाँ, तो टाइलिन को जैसे टच करेगा इट बिकम्स एल्कलाइन. आप अगर नींबू पानी गट गट करके पी जाएंगे आपको एसिडिटी लगेगी, मुंह में चला के पीजिए एल्कलिनिटी हो जाएगा. इसीलिए दीज फूड्स आर क्वांटम फूड्स. इसीलिए जरूरी है कि हम जो भी अन्न या जल ग्रहण कर रहे हैं उसको नमन करें पहले. वो बहुत जरूरी है, ये भारतीयता है. बिकॉज दैट इज हाउ वी मेक द फूड क्वांटम. सबसे सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी एंटीसेप्टिक, सबसे बड़ी एंटीबायोटिक, सबसे बड़ी एंटी कैंसरस कौन सी ड्रग है? हल्दी. हल्दी, ये कौन डिसाइड करता है कि एंटीसेप्टिक का काम करेगी कि एंटीबायोटिक का काम करेगी कि एंटी कैंसरस काम करेगी? ये आप नहीं डिसाइड करते हैं, ये हल्दी डिसाइड करती है. हल्दी इज क्वांटम फूड. आप उसको नमन करना शुरू करिए. आप उसमें समझिए कि दैट इज क्वांटम. दैट विल एक्चुअली डिसाइड कि आपके साथ बिहेव कैसे करना है. इसलिए कंज्यूमरिज्म से हमें बाहर आना पड़ेगा और अन्न को ब्रह्म समझना पड़ेगा. हम नदियों को मां क्यों कहें, मां क्यों कहते हैं? क्योंकि अन्न ब्रह्म है और ब्रह्म की पोषक नदियां हैं, इसीलिए नदियों को हम मां कहते हैं. तो ये जो भारतीय चिंतन है ये बहुत गहरी है और ये इस गहराई में जाना पड़ेगा चीजों को निकाल के लाने के लिए, ताकि हम ये बातें समझ पाए और नेक्स्ट जनरेशन को बता पाए. तो कोषों की बात कर ली हमने, डायबिटीज ब्लड प्रेशर का बात कर लिया हमने. आप अगर स्लाइड्स देख रहे हैं, अगर डायबिटीज बीपी अगर आपने ड्रग से कंट्रोल किया तो याद रखिए आंखों से अंधे होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा. और हार्ट अटैक या कैंसर होगा अगर आपने, आप तो बोलेंगे मैं तो बिल्कुल ही टाइम पे दवा ले रहा था सब कुछ, किडनी कैसे फेल कर गई? किडनी फेल करेगी, 20 साल में किडनी फेल करेगी, 25 साल में हार्ट फेल करेगा, ये करेगा. बिकॉज डायबिटीज का आपने कुछ नहीं किया, आपने एक शोबाजी के लिए ब्लड शुगर को नॉर्मल करने के लिए एक दवा ले लिया और ब्लड शुगर नॉर्मल दिखाते रहे, खुद को भी बेवकूफ बनाते रहे, उस डॉक्टर को भी बोलते रहे कि मेरा तो ब्लड शुगर नॉर्मल चल रहा है, थैंक यू डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा दवा दी, मेरा तो ब्लड शुगर नॉर्मल है. बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है. आप उसको नॉर्मल करिए, आपके हाथ में है जब तक वो हाथ से बाहर ना चला जाए. बिकॉज वंस किडनी फेल्स इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल. इसलिए उस समय तक वेट ना करिए, आज ही कर लीजिए. सो अदर क्रोनिक डिजीज लाइक, बाय द वे, ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? हार्ट अटैक कितने लोगों को लगता है कि होगा? हार्ट अटैक लो ब्लड शुगर में, लो ब्लड प्रेशर में होता है बाय द वे, ये साइंस है. हाई ब्लड प्रेशर में ब्रेन हैमरेज होता है, हार्ट अटैक नहीं होता है. और लो ब्लड प्रेशर बॉडी नहीं करती है, ज्यादातर ड्रग्स करते हैं. बाकी मैं आपके कॉमन सेंस पे छोड़ता हूं कि हार्ट अटैक्स क्यों होते हैं. लो ब्लड प्रेशर जब भी होगा हार्ट अटैक होगा, हार्ट अटैक होगा. इसीलिए वेगल स्टिमुलेशन, वेगस नर्व, ये एक ऐसा नर्व है जो ब्लड वेसल्स को नॉर्मल टोन में रख सकता है. वेगल स्टिमुलेशन अगर नॉर्मल हो तो टोन नॉर्मल होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है. तो ब्लड प्रेशर के लिए भी आप, ब्लड प्रेशर अगर कहीं से कंट्रोल नहीं हो रहा है, अदरक खा के देख लीजिए और पॉस्चर चेंज करके देख लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर इमीडिएटली नॉर्मल आ जाएगा. कहने का मतलब है आप ये ड्रग्स क्यों ले रहे हैं? चीजों को नॉर्मल करने के लिए,
आपके पास कोई और तरीका है? यस है, मैं आपको बता रहा हूं, आप करके देख लीजिए, आप अपने घर पे ही कर सकते हैं और ये देख सकते हैं, वो आप लगाए रहिए। तीसरा तरीका है ब्रीदिंग वेल। हाउ मेनी पीपल थिंक दे ब्रीद वेल? आई फील 96 to 97% पीपल डोंट नो हाउ टू ब्रीद। एक मिनट में 8 बार से ज्यादा आपको सांस नहीं लेना चाहिए, आप 16 बार लेते हैं और उसको नॉर्मल समझते हैं, तो सांसें उतनी ही हैं, जल्दी जल्दी ले लीजिए या फिर धीरे धीरे लीजिए तो बहुत टाइम तक ले सकते हैं, तो सांसें लिमिटेड है आपके लिए, उतना आप अपने साथ लेके आए हैं, जल्दी जल्दी ये लेना है, आपकी मर्जी है। तो नॉर्मली लोगों को ब्रीद इन अगर 8 बार आप करते हैं, अगर आप 6 बार तक आ गए, आप बहुत बड़ी बड़ी डिजीज रिवर्स कर सकते हैं जस्ट बाय दिस सिंपल थिंग। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक थिंग्स वेरी सिंपल फॉर यू सो दैट आपको सिंपली बात समझ में आ जाए कि करना क्या है। तो आप दूसरा साइड आइए देखेंगे, अहिंसा का देश है हमारा, अहिंसा परमो धर्म। जितनी पूजा पद्धतियां भारत में शुरू हुई, हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड ये बुद्धिज्म, सिखिज्म, जितनी पूजा पद्धतियां भारत में शुरू हुई उनका बेसिस क्या है? अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि ये योग की विधि है। योग से सभी रिलीजन शुरू हुए ऐसा मेरा मानना है। यम नियम से जैनिज्म, ध्यान से सनातन और समाधि से बुद्धिज्म। आप अगर देखेंगे जो 8 लिंब हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि, ये सभी ये ताकत है जिससे सब कुछ शुरू हुआ है। तो दिस इज वेयर वी आर, एंड आर वी रियली दैट हंग्री कि हम इतनी हत्याएं करें एंड वी आर सेलिब्रेटिंग ऑन डेड बॉडीज। हमें अगर हम ये परंपराएं छोड़ दें डेड बॉडीज पे सेलिब्रेट करना, तो बहुत सी चीजें एनवायरमेंट में चेंज हो जाएंगी। एनवायरमेंट चेंज की हम बात करते हैं, एनवायरमेंट में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। एंड व्हाट डू ड्रग्स डू? तो ड्रग्स आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर सकते हैं। आपने ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाया, इस ब्रह्म ने बढ़ाया है, क्योंकि बॉडी को उतने प्रेशर से वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड चाहिए था, आपने कम कर दिया। अपनी बॉडी को ठीक कर लीजिए ताकि ब्लड प्रेशर ना हो, ड्रग से कम ना करिए, ये मेरा सुझाव है आपको। सो द प्रॉब्लम सॉल्यूशन वी हैव टॉक्ड अबाउट, नाउ द रोल ऑफ माइक्रोबायोम वो भी हम बात कर चुके हैं। द बिगेस्ट किलर हार्ट डिजीज को बीट कर दिया है कैंसर ने, सो कैंसर इज द बिगेस्ट किलर टुडे। और कैंसर का मूल मंत्र, मूल कारण डायबिटीज है, मूल कारण है कि हमारी जुबान पे लगाम नहीं है, हाइपर इंसुलिनीमिया। इंसुलिन सिर्फ ब्लड में से शुगर लेके सेल में डालती है, सिर्फ इतनी बात नहीं है, इंसुलिन इज अ ग्रोथ फैक्टर। वो आपके मुंह को भी बड़ा करेगी, पेट को भी बड़ा करेगी, ट्यूमर है तो उसको भी बड़ा करेगी, प्रोस्टेट को भी बड़ा करेगी, सब चीज को बड़ा करेगी, इंसुलिन का ये काम है। सो दिस इज वेयर वी नीड टू कंट्रोल इंसुलिन को, आप कंट्रोल कर लीजिए, आप बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने ब्लड शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम वी वुड लाइक टू ऑफर ए पेन रिलीफ कैंप। आपको 10 साल से पेन है, 15 साल से पेन है, नी में पेन है, अभी जितने लोगों को पेन है, कहीं भी पेन है, अगर आप आए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं कि कैसे हम 2-3 मिनट में 5 मिनट में आपका पेन निकाल देते हैं। वी यूज ऑल दीज हीलिंग मोडालिटीज, आयुष्मान वी कॉल इट, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, मर्म, एलोपैथी, नेचुरोपैथी। तो आयुष्मान का फुल फॉर्म हमने निमोनिक लिया है, आयुष्मान उसका फुल फॉर्म अभी मैंने बताया। वी यूज डिफरेंट वेज टू क्योर अ पेशेंट, और उसको किस किस तरीके से क्योर करना है ये हम
ये कर दे. वी वुड लाइक टू ऑफर अ पेन रिलीफ कैंप हियर, ताकि लोगों का पेन इमीडिएटली रिलीफ हो, ताकि उसके बेसिक डिजीज पे काम किया जा सके. मान लीजिए ऑटोमेटिक रेमेटॉइड